बहनों, दो चार नारे लगाने के लिए तैयार है? पक्का? बहनों की तो आवाज ही नहीं आ रही। आप समझ में आया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ रहे हैं। मजा नहीं आया, उस बिल्डिंग में तो जाएगा नहीं। इनकम टैक्स वालों को पता ही नहीं लगेगा कि आप तक मैं इनकम कमाने वाले हो। थोड़ा और जोर के लगाएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ रहे हैं। धन्यवाद। आज की इस सभा के आयोजक और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और हम दोनों पाटिल साहब और हम दोनों एक ही महकमे से आते हैं, वो भी बिजली के महकमे में थे। बस ये हुआ कि मैंने 2007 में भारत सरकार से रिजाइन कर दिया और मैंने सोच लिया कि कर्मचारियों के आंदोलन से दूर जाकर, अपने आंदोलन से दूर जाकर गांव देहात में दलित और आदिवासी और पिछड़ी जाति के बीच में जाऊंगा साथी। और इसलिए साथियों, मैं ये ऐलान करने आया हूं कि जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन है, और जब ये बन रही थी मैंने तब भी कहा था, गणेश उके जी जानते हैं, पाटिल साहब जानते हैं,
जवानों की श्रेणी में आते हैं, युवा है नौजवानों की श्रेणी में आते हैं। आपको सोचना है ये नया खून पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं आ रहा, ये नया खून सेंट्रल सर्विसेज में क्यों नहीं आ रहा, ये नया खून राज्य सरकारों में क्यों नहीं आ रहा। और अगर नया खून भर्ती नहीं होगा तो ये लड़ाई आगे नहीं जा सकती। इसलिए हमारी लड़ाई का मुद्दा यह होना चाहिए, हमें आउटसोर्सिंग नहीं चाहिए, हमें क्लास फोर में भी दलित आदिवासी चाहिए, क्लास थ्री में भी चाहिए, क्लास टू में भी चाहिए, और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का पद भी हमको चाहिए। मैं कहना चाहते साथियों, अंत में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम लोगों की 5 दिसंबर को जो भाई चंद्रशेखर है सहारनपुर का, वो नौजवान जिसको सरकार ने एनएससी में बंद कर रखा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपसे पैसा नहीं चाहिए लेकिन आपका रसूख चाहिए। ये लड़का, ये नौजवान जेल से बाहर आना चाहिए, मांग करना चाहता हूं मैं आपसे साथियों। और साथियों हमने तय किया है, मैं अभी अपने साथी अमरीक सिंह बंगर जी से बात कर रहा था और मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं, पाटिल साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपकी तमाम एससी एसटी ओबीसी की जो यूनियन है, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन है, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगले साल 30 सितंबर को हम लोगों ने यह तय किया है हम सम्मान का महासंग्राम करेंगे और रामलीला मैदान नहीं पूरी दिल्ली को दलित आदिवासी पिछड़ी जाति पिछड़ों से भाग देंगे, यह फैसला क्या हमें साथियों। तो 30 सितंबर 2018 को जो यहां रैली होने वाली है उसके लिए मैं आपको अभी से दावत देता हूं, अगर आप मैले कुचैले कपड़ों में गांव देहात से आने वाले हजारों लाखों भाइयों बहनों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो सूट बूट में आइए और दिखाइए कि आप सूट बूट की सरकार वाले नहीं है। ये बात आपको साबित करनी होगी, अगर आप 5,000 लोगों के साथ 5,00,000 मेरे कुचले कपड़े वाले गरीब परिवारों के आपके समाज के लोग खड़े हो जाएंगे तो मैं दावे से कहता हूं ये सरकार आपके प्रमोशन में आरक्षण को रोक नहीं पाएगी। भाइयों बहनों ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए भाइयों बहनों मैं पाटिल साहब से तमाम मंच पर मौजूद लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, गो बैक टू दी पीपल, अपने घर में बंद मत रहिए, उस दिनों को याद रखिए, बाबा साहब जैसे व्यक्ति गांव गांव में जाते थे, अरे अपने छाती पर छाप कर देखो, अपने दिमाग में सोच कर देखो पिछले 1 साल में कितने उन दलितों के घरों में गए हो, कितने आदिवासियों के घरों में गए हो, कितने अपने रिश्तेदारों के घरों में गांव देहात में गए हो, ये आपको अपने जमीन से पूछना पड़ेगा। और अंत में
सुरक्षित नहीं रह सकते। आपको याद रखिए, जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, उन दलितों ने राम के सामने सिर नहीं झुकाया, सिर कटवाना मंजूर कर लिया, सिर झुकाया नहीं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं और आदिवासियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसका अंगूठा